तो कल सुबह यानी कि अभी रात है और कल सुबह हम जाएंगे देखने अवेंजर। टिकट हो चुके हैं बुक, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और सुबह मिलते हैं जॉगिंग के साथ, जो पहले जॉगिंग जाऊँगा फिर उसके बाद जो भी है देखना, मज़े लो, बाकी सब बढ़िया। चलो गुड नाइट, बाय, सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग, और कैसा है? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो सीन आज को कुछ ऐसा था कि मैं उठ गया 4 बजे, लाइट थी नहीं, इन्वर्टर चार्ज हो गया था, तो हमने कहा चलो अब उठ जाएँ, ज़्यादा अच्छा है। तो सबको एक एक करके मैंने सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाया, साले कोई भी नहीं उठे, उठाया भी तो कहा कि यार आज नहीं कल से, मतलब रोज का नाटक है, आज नहीं कल से, यार ठीक है चलो कोई बात नहीं फिर कल, कल तो आएगा नहीं कभी, लेकिन चलो ठीक है फिर कल मिलाएंगे फ़ोन, ट्राई करेंगे शायद उठ जाएँ। तो रनिंग कम्प्लीट हो गई है, 1.5 से 2 किलोमीटर हमने दौड़ लिया, एप्स का एक्सरसाइज लगा लिए, अब जाएंगे जिम, जिम के बाद घर, घर से फिर दुकान, दुकान से वापस घर, फिर निकलेंगे हम। रात में टिकट बुक कर लिया था, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उनको पता है, तो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, बाकी सब बढ़िया है। और आज अपने साथ में जाने वाले हैं मेरे भाई और बहन, वही सर। हाँ इस पर ध्यान मत देना क्योंकि ये चीज़ मेरा मोटा दिख रहा है, तो किसी कीड़े ने काट लिया था, बड़ी भयानक वाली, ये सब आँखें वाँखें सूझ गई थी, तो इसलिए अभी भी थोड़ा असर उसका है, बाकी सब बढ़िया है, मौज करो, चलो मिलते हैं, बाय। तो ऐसे जैसे तैसे एवेंजर देगा, बहुत अच्छी मूवी है भाई, कतई जहर जहर, पैसा वसूली मूवी है भाई, आप लोग देखने चाहिए एकदम पैसा, कुछ भी स्टोरी नहीं बताएंगे, बस ये जानो पिक्चर बहुत ही आड़ू है, मौज। पन्ना हमारी धूप में जल रही है, अभी हम जब अपना बम रखेंगे तो बम बम का बम हो जाएगा, चलो देखते हैं। आई थिंक वेदर 44.3 कुछ ऐसे कुछ होगा, जल रहा है। कही थी भूख, अभी आया है पराग लेनी, और क्यों मैडम हमारा चश्मा नहीं दे रही है, चश्मा हमारा नहीं दे रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है, अभी चल के देखते हैं, कुछ खाते पीते लग गई भूख, क्योंकि सुबह हम तो 4 बजे उठ गए थे, ये सब ये सारे जगह 8 बजे उठे हैं, और इन लोगों का 30 मिनट का पिक्चर भी लेट हो गया, बाकी हम लोग तो टाइम से पहुंच गए थे, जल्दी उठने वाले बंदे भैया, अब भूख लग गई है तो कुछ खाते हैं फिर, चलो मजे लो। एवेंजर्स का आशिक पहले तो होता भाई, कैसे लगा तुझे भाई? इस मूवी का पूरा एंडिंग है भाई, मैंने देखा, मेरी क्या बताएं, इतना पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, पूरी पैसा वसूल भाई, सेम मेरे साथ भी हुआ, मतलब ऐसे ऐसे सीन आ रहे थे, पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, मतलब नो वर्ड, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, इनकी तो शॉकिंग ही नहीं होती, मतलब मैं तो इतनी इतना ज़्यादा चिल्लाया हूँ, इतना सीटी मारा हूँ, गला भाई गला बैठ गया, मैं ही नहीं, सारे लोग सीटी मार रहे थे, हूटिंग सारे लोग कर रहे थे। अब भैया ये बताइए आपको कैसे लगा ये जब मैडम ये सदमे में है, एवेंजर देख के ना सदमे में है, पहले तो मैं बताऊंगी आपको दुनिया वालों सुनो सुनो, फैन हूँ एवेंजर की, कि पूरे हॉल में सिर्फ एक लड़की थी जो शूटिंग, नहीं दो लड़की थी, एक और थी, अच्छा एक और, हाँ एक और जिसमें वाली लड़की थी, शूटिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी, और मैं खड़ी करके ताली बजा रही थी, सब इधर उधर गिर वाले कहते पागल कहाँ से आ गए, ठीक है, बाकी सब बढ़िया, अभी कुछ खाते पीते, भूख भूख लग रही है भाई साहब, देखो फिर मजा लो। तो हम अभी चुटकी बजाएंगे और ये सारा प्लेट गायब हो जाएगा, ठीक है, चुटकी में सारा प्लेट गायब हो जाएगा। देखो ये मैडम ने, ये भाई साहब ने छोड़ दिया, हमने फिनिश कर दिया क्योंकि अपन खाना फेंकता नहीं, और यस ने भी फिनिश कर दिया है, हम दोनों भाई बेस्ट हैं। ये मैडम ऑर्डर तो कर ली लेकिन खा नहीं गया इनसे, ये भाई साहब के भी कोटा फुल, अभी चुटकी देखो, चुटकी गायब, लेकिन ये नहीं गायब हुआ, ये जादू के बाहर था, इसको हटाने के लिए बहुत बड़े वाले जादू दिखाने पड़ेंगे, सो नहीं दिखा सकते, बाकी सब बढ़िया है, चलो निकलते हैं आप। सो कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा धूप था कि जब हम अभी भी गर्मी हो रही है, स्वेट बहुत ज़्यादा है, तो जब हम कल वापस रेस्टोरेंट से खा पी के घर पे आए तो सीधा मेरा तो सर फट रहा था धूप की वजह से, तो सीधा मैं सो गया आके, फिर वापस जब जगा तो फिर दुकान पे गया, थोड़ा काम किया, फिर वापस घर पे आया तो एडिटिंग किया वीडियो का, तो ये हुआ कि लास्ट वाला सीन कोई बना ही नहीं, तो
मैं सोचा ठीक है कल बना लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरा सर बहुत ज़्यादा चल हो रहा था। तो रात में एडिट कर लिया था वीडियो, सोचा कि एडिट कर लूँगा, बाकी का जो पार्ट रहेगा वो फिर आसानी से एडिट हो जाएगा। तो इसलिए आज एंड कर रहा हूँ, आज थर्ड हाफ में, कल था सेकेंड हाफ में, तो आज वीडियो का एंड कर रहा हूँ। और हाँ, जो आवाज़ का इशू हो रहा है फोन में, वो अब नेक्स्ट ब्लॉग पर ऐसा नहीं होगा। अगले ब्लॉग से कोशिश करूँगा कि एक अच्छा खासा मैं माइक ले लूँ बढ़िया, और एक ट्राइपॉड भी खरीदना, दो ट्राइपॉड मेरे पास है, एक ट्राइपॉड है, एक गोरिल्ला ट्राइपॉड है, तो दो है, एक अच्छा और देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए, बाकी सब बढ़िया है। और बहुत मतलब इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, शॉर्ट वीडियो था, इसलिए क्योंकि कॉन्टेंट बराबर अपने आते रहे, आप मन से जुड़े रहें। बस ये है कि मैं वीडियो एक दो चार वीडियो डाल दूँ, उसके बाद मैं देख ही नहीं, इसलिए कॉन्टेंट जो भी है अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो भी शेयर करना चाहता हूँ, बाकी से बढ़िया जो इसके बाद का जो ब्लॉग बनने वाला जाहिर होने वाला है, ठीक है। तो बस जुड़े रहो और हम लोग से प्यार देते हो, और क्या चाहिए, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर अपना मन वीडियो शेयर कर दीजिएगा बाकी कोई, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देना यार, बाकी सब बढ़िया है, मौज करो। चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर।